जॉइन दवरी वन आई एम बाबा वेबावर्धन योर मैथ्स टीचर फॉर इंडी एट डिफेंस उस्ताद सो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको इंडिया वन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर और इंडिया टू टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के मैथ्स पेपर की एक अच्छी खासी एनालिसिस बताऊँगा अपार्ट फ्रॉम दिस एनालिसिस आई विल बी ऑल्सो एक्सप्लेनिंग रिस्क वर्सिस रिवॉर्ड रेसियो ना रिस्क वर्सिस रिवॉर्ड रेसियो किसी भी स्टूडेंट के लिए जानना एक बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि वहाँ से आप अपने स्ट्रैटेजी बना सकते हो यहाँ से आपके पास मात्र पाँच मंथ हैं आपको अपने प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करने के लिए तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है कि आपकी जो प्रिपरेशन हो बहुत अच्छी हो और आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करके आओ उसके लिए आपको रिस्क वर्सेस रिबॉट रेशियो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आप ऐसा नहीं करोगे कि कोई एक ऐसा टॉपिक उठा लेंगे कि जिसमें आपका रिवॉर्ड बहुत कम है लेकिन उसमें हम बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं ना इससे आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है आपको इससे सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा सो लेट्स स्टार्ट टोर दिस वीडियो सो आई वर्धन आई हैव अपियड फॉर इंडिया एग्जाम फोर टाइम्स एंड क्लियर इट फोर टाइम्स सो so, चार बार मैंने एग्ज़ाम दिया एन का और चारों बार मैंने क्लियर किया है एन एग्ज़ाम के अलावा भी मैंने आई एस आर बी मैथ का टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का रिटर्न एग्जाम क्लियर किया है अगर आप लोग मेरे मैथ्स के मार्क्स जानने में इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे देख सकते हो वन हंड्रेड फिफ्टी टू वन हंड्रेड फिफ्टी नाइन एंड वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव सो लेट्स स्टार्ट टू डिज़ वीडियो सो सबसे पहले हम लोग एन डी वन और एन डी टू का जो भी पेपर होगा उसका सेक्शन वाइज एनालिसिस देख सक देख लेते हैं जब हम लोग सेक्शन वाइज एनालिसिस कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग जाएंगे चैप्टर वाइज तो सबसे पहले हम लोग अजेब्रा देखते हैं अजबरा में से इंड डी वन में थर्टी सेवन क्वेश्चन आए थे वहीं पे इंडी टू में थर्टी सिक्स क्वेश्चन आए थे तो आप ये रफली अज्यूम कर सकते हो कि अल्जैब्रा से आपको थर्टी फाइव से फोर्टी क्वेश्चन आपके अलजब्रा से आ सकते हैं वहीं पे अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का देखें तो ट्रिग्नोमेट्री से एनडीए वन में टेन क्वेश्चन आए थे वहीं भी एनडीए टू में कितना आए थे तो रफली आप 10 टू 15 मान लो कि क्वेश्चनोमेट्री से आने वाले हैं नौ, अगर आप कैलकुलस का देखो तो कैलकुलस में 30 क्वेश्चन थे और एनडीए टू में कितने क्वेश्चन थे 31 वन क्वेश्चन तो आप कैलकुलस से रफली एज्यूम कर सकते हो कि थर्टी टू थर्टी फाइव क्वेश्चन आएंगे टू डी थ्री डी एंड से आपके इंडिया वन में ट्वेंटी टू थे वहीं पर इंडी में आपके ट्वेंटी क्वेश्चन थे तो आप रफली इसमें भी एज्यूम कर सकते हो कि 20 से 25 फाइव क्वेश्चन आपके 2D, 3D और वेक्टर अजेब्रा से आएंगे ना प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिकटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिकटिक्स से इंडिया वन में 19 क्वेश्चन थे और इंडिया टू में 20 क्वेश्चन थे तो इवन दो इंडिया वन में इंडी टू के कंपेरिजन में एक क्वेश्चन कम था बट यहाँ से हमेशा ट्वेंटी क्वेश्चन ही रफली आते हैं ठीक 20 है ट्वेंटी क्वेश्चन से कभी कदार ये प्लस माइनस आप टू ले सकते हो ट्वेंटी टू हो सकता है या फिर एटीन हो सकता है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपका ट्वेंटी पे ही रहता है तो अगर आप सेक्शन वाइज एनालिसिस देखोगे तो आप ये देखोगे कि ज़्यादा वेरिएशन किसी भी टॉपिक से नहीं है जो भी टॉपिक्स से जितने क्वेश्चंस हमेशा आते हैं उतने क्वेश्चंस ही आ रहे हैं अगर इंडी वन से यहाँ पे थर्टी सेवन क्वेश्चन आ रहे हैं तो एन डी वन में अगर एल्जेवरा से थर्टी सेवन क्वेश्चन आए हैं तो एन डी टू में कितने क्वेश्चन आए हैं थर्टी सिक्स क्वेश्चन आए तो अगर किसी भी सेक्शन से एक क्वेश्चन ऊपर या फिर नीचे हो रहा है तो उससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो आप ये जो देख रहे हो आप अज्यूम कर लो कि जो नेक्स्ट एग्जाम आपका होने वाला है उसमें भी कुछ इतने ही क्वेश्चन हर एक टॉपिक से ठीक है ड so, हम लोग अगर हर एक सेक्शन का वेटेज देखें इंडिया वन और इंडिया टू में तो इंडिया वन में अल्जेब्रा से थर्टी वन परसेंटेज क्वेश्चन आए थे वहीं पे कैलकुलस से कितने क्वेश्चन आए थे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन तो रफली अल्जेब्रा और कैलकुलस को मिलाकर आपके कितने परसेंटेज क्वेश्चन आ रहे हैं फिफ्टी सिक्स परसेंटेज तो हम लोग अजुम कर सकते हैं कि अराउंड फिफ्टी फाइव परसेंटेज क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं सिर्फ अल्जेब्रा और कैलकुलस से यानी कि आपके सिक वन हंड्रेड ट्वेंटी क्वेश्चन में से अराउंड सिक्सटी फाइव क्वेश्चन सिर्फ अल्जब्रा और कैलकुलस से आए थे एनडीए वन में एनडीए टू में भी आपका वेटेज सेम ही था अल्जब्रा से थर्टी परसेंटेज और कैलकुलस से कितना ट्वेंटी सिक्स परसेंटेज जो कि आपका फिफ्टी सिक्स परसेंटेज होता है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि आपका ये फिफ्टी फाइव परसेंटेज लेकर चलते हैं तो आप एक चीज़ देखो कि अल्जब्रा और कैलकुलस से ही आपके कितने क्वेश्चन आ जाएंगे सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव क्वेश्चंस आ जाने वाले हैं सिर्फ अल्जेब्रा और कैल्पलस को मिलाकर उसके अलावा अगर हम लोग टिग्नोमेट्रिक का देखें तो इंडिया वन में टिग्नोमेट्रिक से टेन परसेंटेज क्वेश्चन थे वहीं पर इंडिया टू में टिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन थे इलेवन परसेंटेज वन परसेंटेज से होता था फर्क नहीं पड़ता है यानी कि टिग्नोमेट्रिक से आपके रफली टेन परसेंटेज क्वेश्चन आ जाने हैं वहीं पे अगर 2D, 3D और वेक्टर अजेब्रा से देखें तो यहाँ पे आपका 18 परसेंटेज क्वेश्चन था यहाँ पे आपका 20 परसेंटेज सिक्सटी सॉरी

टेज क्वेश्चन थे ज्यादा का वेरिएशन हुआ नहीं है तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि किसी भी जो सेक्शन है अगर वो अल्जेब्रा हो कैलकुलस हो या फिर टोमेट्री हो तो उतना ज्यादा वेरिएशन आ नहीं रहा सिर्फ एक दो परसेंटेज का वेरिएशन आ रहा है जो कि आपका होगा दो से तीन क्वेश्चन का ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन होगा लेकिन रफली आपका कुछ इस तरीके से ही पेपर में क्वेश्चन आएगा आएगा दैट इज अल्जेब्रा से आपका रफली थर्टी परसेंटेज क्वेश्चन कैलकुलस से आपका रफली थर्टी परसेंटेज क्वेश्चन हो जाएगा आपका अल्जरा से थर्टी परसेंटेज कैलकुलस से थर्टी परसेंटेज प्रोबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से आपका फिफ्टीन परसेंटेज क्वेश्चन टू डी थ्री डी एंड वेक्टर से आप अराउंड ट्वेंटी परसेंटेज क्वेश्चन कर लो और ट्रिग्नोमेट्री से आप रफली फिफ्टी परसेंटेज क्वेश्चन कर लो तो यही डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है नेक्स्ट एग्जाम में भी नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि एन डी वन और एन डी टू का जो मैथ्स का पेपर था तो उसमें किसी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बढ़े हैं या फिर घटे हैं वो देख लेते हैं अलजेब्रा में आपके थर्टी सेवन क्वेश्चन आए थे एन डी तो तो वन में वहीं पे अलजेब्रा से एन डी टू में कितने क्वेश्चन आए थे थर्टी सिक्स क्वेश्चन तो रफली थर्टी फाइव क्वेश्चन के अराउंड आपके अलजेब्रा से आए थे थर्टी फाइव क्वेश्चन वहीं पर कैलकुलस का अगर देखिए तो थर्टी क्वेश्चन एन डी ए वन में एन डी टू में थर्टी वन क्वेश्चन तो कैलकुलस से रफली थर्टी क्वेश्चन ट्रिमोमेट्री से ट्वेल्व क्वेश्चन एन डी में और एनडीए टू में थर्टीन क्वेश्चन तो आप यहाँ से एक रफ रफंसर लगा सकते हो कि टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन एक क्वेश्चन का ऊपर नीचे होना उतना ज़्यादा बड़ा बात है नहीं टू डी ज्योमेट्री का अगर हम लोग देखें तो एनडीए वन में इलेवन क्वेश्चन थे एन डी टू में नाइन क्वेश्चन थे तो रफली आपका ये टेन के अराउंड ही रह गया थ्री डी जीमेट्री से सिक्स क्वेश्चन आपका फाइव भी हो सकता है तो फाइव टू सिक्स क्वेश्चन आपके थ्री डी जोट्री से हो जाएंगे वैक्टर कैलकुलस से भी कितने क्वेश्चन आए थे दोनों एग्जाम में फाइव क्वेश्चन जो कि आपका फाइव से सिक्स हो सकता है इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं हाँ लेकिन जो प्रायबरिटी एंड स्टैटिस्टिक्स था उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आया था इससे आपके रफली ट्वेंटी क्वेश्चन आते हैं बट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्राइवरिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का वो काफी अलग होता है देखिए जैसे कि इंडिया वन में प्राइवरिटी से नाइन क्वेश्चन आए थे वहीं पर इंडी टू में प्राइविटी सॉरी इंडिया टू में से कितने क्वेश्चन आए थे फोर्टीन क्वेश्चन डायरेक्टली आपका फाइव क्वेश्चन का जंप फॉर प्राइवरिटी में वहीं भी अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो इंडिया वन में टेन क्वेश्चंस थे और इंडिया टू में सिक्स क्वेश्चन जो कि आपका फोर क्वेश्चंस कम गया ठीक है तो अगर आप कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टू डी और वेक्टर ये तीनों कवर करो अगर आपने टू पढ़ा है थ्री भी पढ़ा है तो वैक्टर कैलकुलस आप कवर कर ही लो या फिर अगर आपने वैक्टर कैलकुलस और थ्री पढ़ा है तो आप टू कवर कर लो और अगर आप प्राइवोरिट पढ़ रहे हो तो प्राइवरिटी के साथ साथ आप स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ लो और अगर आप स्टैट्सिक्स पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ प्राइवोरिटी भी पढ़ ही लो स्पेशली प्राइवरिटी एंड स्टैटिस्टिक्स तो आपको साथ में ही पढ़ना है क्योंकि ट्वेंटी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो चेंज हो सकता है आपका प्राइवरिटी एंड स्टैट्सटिक्स से टेन टन क्वेश्चनस भी आ सकते हैं फिफ्टीन फाइव भी हो सकता है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है इसी कारण से आपको इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ कवर कर लेना होगा हाँ, अब हम लोग चलते हैं कि किसी भी सेक्शन से कितने क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से आ रहे हैं तो अगर हम लोग अलजेब्रा की बात करते हैं तो अलजेब्रा से के सेट से वन में कितने क्वेश्चंस थे 1 क्वेश्चंस और NDA2 में 3 क्वेश्चन लॉगरिथम से 3 क्वेश्चन NDA1 में लेकिन NDA2 में एक भी क्वेश्चन लॉगरिथम से नहीं था नो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि लॉक्रिदिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं था इसका ये मतलब नहीं कि पूरे के पूरे पेपर में कहीं भी लॉग का मैंसर नहीं था बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जैसे कि सिक्वेंट एंड सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन थे जहाँ पर आपको लॉग्रिदिंग का आना जरूरी था तो आप ये मत करना कि आप अगर देख रहे हो कि सेट में अगर सिर्फ एक से या एक दो तीन क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उसको स्किप कर दो क्योंकि अगर आपका सेट क्लियर नहीं होगा तो आप कैलकुलस कहाँ से क्लियर करोगे अगर आप बेसिक्स ही नहीं जानोगे तो फिर आप आगे के टॉपिक्स को कैसे अच्छे से कवर कर पाओगे उसी तरीका से लॉगरिदम का इंपॉर्टेंस अलोन कुछ नहीं है अलोन आपका ये कहा तीन से चार क्वेश्चन अकेले यहां से आ रहे हैं लेकिन लॉग्रिदम का इंपॉर्टेंस इसलिए बनता है क्योंकि लॉगरिदम के यूज से आपको अल्जब्रा में बहुत सारे ऐसे चैप्टर मिलेंगे जहां पे आपको लॉगरिद से क्वेश्चन आ सकते हैं अल्जिब्रा में ही नहीं कैलकुलस में भी लॉग्रिदम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ठीक है नौ अगर हम लोग पॉलिनोम की बात करें तो एंडीए वन में पोलिनोमियल से फाइव क्वेश्चन थे और इंडिया टू में फोर क्वेश्चन रफली डिस्ट्रीब्यूशन आपका सेम ही रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइव क्वेश्चन एनडीए वन में भी और इंडीए टू में भी फाइव क्वेश्चन परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सिक्स क्वेश्चन एनडीए वन में और इंडीए टू में फाइव क्वेश्चन हाँ लेकिन यहाँ पे जो प्रोमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एनडीए वन में क्वेश्चन था वो एज कम्पेयर टू एनडीए टू थोड़ा टफ था अगर बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम से चार क्वेश्चन एनडीए वन में भी आए थे और एनडीए टू में भी आए थे और ये जो बाइनोमियल थ्योरम से जो क्वेश्चन आते हैं वो रफली हमेशा सेम ही नेचर के होते हैं आपका मिडिल टर्म को लेकर हो जाएगा एक्सपैंसन को लेकर हो जाएगा तो बाइनोमियल थ्योरम से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं और जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके सेम ही रहते हैं अगर सिक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो एन डी में थ्री क्वेश्चन आए थे वहीं पे इन डी में सेवन क्वेश्चन आए थे तो सीक्वेंस एंड सीरीज में क्वेश्चंस का नंबर इंक्रीज हुआ है लेकिन इनकी जो डिफिकल्टी थी वो उतनी ज्यादा नहीं थी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी सीक्वेंस एंड सीरीज में थे जो आपने क्लास टेंथ में ऑलरेडी कवर कर लिया होगा अगर मैट्रिस एंड की बात करें तो एनडीए वन में टेन क्वेश्चन थे और एनडीए टू में आपका एट क्वेश्चन था तो ओवरऑल अल्जेवरा से एनडीए वन में आपके थर्टी सेवन क्वेश्चन थे वहीं पर एनडीए टू में आपके कितने कितनेस थे थर्टी सिक्स क्वेश्चन तो आप एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हो कि इन डी ए में अलजेब्रा से आपको थर्टी फाइव टू फोर्टी क्वेश्चन आ सकते हैं नो अगर आप जब भी अलजब्रा पढ़ रहे हो तो आप कोशिश करना कि ये जो भी सारे टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स आप कवर करो नो सारे टॉपिक्स कवर करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि मिक्स रहता है जैसे कि आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर गुजार देगा या फिर मैट्रिक्स एंड इंटरमिनाट में आपको सिक्वेंस एंड सीरीज का पोश्चन गुट्स आ देगा या फिर सिक्वेंस एंड सीरीज में आपको पॉलिनोमियल डाल देगा ठीक है तो इसी वजह से जब भी आप अगर कैलकुलस कवर कर सॉरी अल्जेबरा कवर कर रहे हो तो पूरा का पूरा अल्जेबरा आपको एक ही साथ कवर करना है ये मत करना कि आप इसमें से देख रहे हो कि हमारा लॉग्रेड या फिर सेट में से बहुत कम पोस् आ रहे हैं तो लॉग्रेड और सेट को हम लोग स्किप कर देंगे और बाकी सारे चैप्टर्स चा, को हम लोग कवर कर लेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हम जब भी अगर को पढ़ेंगे तो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे नॉ ट्रिग्नोमेट्री से जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो टेन टू फिफ्टीन ही रहने वाला है इससे ज्यादा नहीं होने वाला है उसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रहता है एनडीए वन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 6 थे एनडीए टू में सेवन क्वेश्चन थे वहीं पे अगर आई टी एफ की बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से तो थ्री क्वेश्चन एनडीए वन में और टू क्वेश्चन एनडीए टू में वहीं पर ट्राइंगल से थ्री क्वेश्चन और एनडीए में फोर क्वेश्चन आए थे तो रफली टेन टू तो फिफ्टीन क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से आ सकते हैं एनडीए एग्जाम में लेकिन ट्रिक्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा रिलेवेंस होता है इस एग्जाम में क्योंकि ट्रग्नोमेट्री जो है आपको वो आपको अल्जेब्रा और कैलकुलस में बहुत ज़्यादा मदद करेगी तो ये इसमें से क्वेश्चंस इवन दो कम आते हैं बट आपको ट्रग्नोमेट्री अच्छे से पढ़नी होगी क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस एग्जाम में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इससे मिला के क्वेश्चन आपको अल्जरा और कैलकुलस में दिए जाएंगे नेक्स्ट कैलकुलस की बात करते हैं नो no, कैलकुलस एक हाई रिस्क टॉपिक है हाई रिस्क टॉपिक मैं कैलकुलस को इसलिए मानता हूं क्योंकि आपको इसको कवर करने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा टाइम के अलावा भी आपके इसमें जो पेपर की डिफिकल्टी है वो भी बहुत ही ज्यादा रहने वाली है बहुत ज्यादा कहने का ये मतलब नहीं कि जेड मिन्स या फिर एडवांस लेवल के आ जाएंगे लेकिन अगर हम लोग टाइम लिमिट देखें क्योंकि आपको पूरा का पेप पूरा पेपर 2.5 पॉइंट फाइव में कवर करना है तो आपको एक क्वेश्चन के लिए रफली सेवेंटी टू एटी सेकेंड्स मिलते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि ये जो कैलकुलस का पेपर होता है वो डिफ़िकल्ट होता है तो आपको कवर करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा पेपर की डिफ़िकल्टी भी अच्छी खासी रहती है उसके अलावा अगर कैलकुलस की हम लोग बात करें तो कैलकुलस का जो क्वेश्चन होता है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है ठीक है लेकिन हाँ ये कैलकुलस आपके लिए एक अच्छा स्कोरिंग टॉपिक बन जाता है अगर आपका कैलकुलस अच्छा है तो क्योंकि यहाँ से आपको थर्टी क्वेश्चन थर्टी वन क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली थर्टी टू थर्टी फाइव क्वेश्चन आ रहे हैं तो वैसे स्टूडेंट जिनका कैलकुलस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उनको तो कैलकुलस बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए अगर आपने अलजेबरा और कैलकुलस बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो आपका अराउंड सिक्सटी परसेंटेज पेपर बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा नौ अगर हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन की बात करें तो एन डी वन में रिलेशन एंड फंक्शन से इलेवन क्वेश्चन आए थे वहीं पर एनडीए टू में टेन क्वेश्चन थे डिफेंस कैलकुलस में हमारे पास एनडीए वन में फाइव क्वेश्चन थे लेकिन एनडीए टू में टेन क्वेश्चन थे नंबर इंक्रीज हुआ है इंटीग्रल कैलकुलस से क्वेश्चन हमारे पास एन डी वन में इलेवंथ है एनडीए टू में नाइन्थ सॉरी नाइन्थ है डिफरेंस इन इक्वेशन से नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एनडीए वन वे थ्री एंड एनडीए टू इट वॉज सो so, ओवरऑल आपका 30 टू 35 क्वेश्चन कैलकुलस से आएगा हाँ इसमें जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है टॉपिक्स का वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट रफली 30 टू 35 क्वेश्चंस ही आएगा तो वैसे स्टूडेंट जिनका कैलकुलस बहुत ही अच्छा है उनको तो कैलकुलस बहुत अच्छे तरीका से कवर करना चाहिए अगर आप कैलकुलस और अलजेब्रा बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लोगे तब आपका ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा नेक्स्ट 2D 3D एंड वेक्टर अलजेब्रा सो so, मैं ये हमेशा सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हो तो इन तीनों को तीनों को कवर करो इन तीनों में से तीनों को कवर करो ये मत करना कि टू पढ़ लिया थ्री पढ़ लिया और वेक्टर को छोड़ दिया ऐसा बिल्कुल नहीं करना है या फिर थ्री डी पढ़ा वेक्टर पढ़ा और टू को छोड़ दिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि आपको इन तीनों टॉपिक्स से 20 टू 25 क्वेश्चंस आ जाने हैं और ये जो क्वेश्चंस होगा उनमें उतना ज्यादा वेरिएशन भी नहीं होगा इसलिए टू डी और वेक्टर को आप एक साथ पढ़ो अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें क्वेश्चन का तो टू में आपका इलेवन क्वेश्चन आया था और एन डी में नाइन क्वेश्चन आए थे तो इन तीनों टॉपिक्स में से 2D, 3D और वेक्टर में से सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक आपका क्या है टू डी एक्स्यूज उसके बाद अगर हम लोग 3D की बात करें तो एनडीए वन में

सेकेंड यहाँ पे ये नाइनटीन होना चाहिए ना कि ट्वेंटी ठीक है हाँ तो प्रायोरिटी से आपके एन डी वन में नाइन क्वेश्चन थे वहीं पर एनडीए टू में प्रायोरिटी से कितने क्वेश्चन थे फोर्टीन क्वेश्चन थे वहीं पे स्टैटिस्टिक्स से एन डी ए वन में टेन क्वेश्चन थे और एनडीए टू में सिक्स क्वेश्चन थे तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो प्रायोरिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होते रहता है जैसे कि आप यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हो कि प्रायबरिटी के क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं एंडी में लेकिन वहीं पे जो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है वो क्या हुए हैं डिक्रीज हुए हैं तो जब भी आप प्रायबोरिटी को कवर कर रहे हो तो प्रायबोरिटी के साथ साथ आपको स्टैटिस्टिक्स को भी कवर कर लेना चाहिए नेक्स्ट रिस्क वर्सेज रिवॉर्ड रेशियो ना रिस्क वर्सेज रिवॉर्ड रेशियो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके पास टाइम कम है और इस कम टाइम में आपको चैप्टर्स को वाइजली पढ़ना है ठीक है तो क्योंकि ये जब आप चैप्टर्स को वाइजली कवर करोगे तो आपके जो टाइम बचेंगे और वो टाइम आप जीए को दे सकते हो ठीक है क्योंकि जीए जो आपका देखो मैथ से आपका पेपर क्लियर होगा मैथ से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा इजीली आप मैथ से पेपर क्लियर कर लोगे लेकिन जो जीए होगा वो आपको मेरिट लिस्ट में लेकर जाएगा क्योंकि अगर आप मैथ्स में बहुत ज्यादा भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसमें कितना मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो ट्वेंटी टू थर्टी मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा फोर्टी टू फिफ्टी मार्क्स लेकिन अगर आप वहीं पे जो फोकस है थोड़ा जी पे कर दोगे तो जीएटी पे आप इजली सेवेंटी टू एटी मार्क्स का इम्प्रूवमेंट इस टाइम ड्यूरेशन में कर सकते हो तो इसलिए मैंने हर एक सेक्शन का रिस्क वर्सेज रिवॉर्ड रेशियो बनाया है ताकि आपको जो भी टाइम बचे आप वो जी के पेपर पे दो और मैथ के पेपर को वाइजली कवर करो ना रिस्क आपका फैक्टर पे डिपेंड करता है सबसे पहला फैक्टर आपका हो जाएगा टाइम कि किसी भी टॉपिक को आपको कवर करने में कितना ज्यादा टाइम लग रहा है अगर किसी भी टॉपिक को आपको कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब वो टॉपिक एक हाई रिस्क टॉपिक है क्यों क्योंकि अगर आपको टाइम बहुत ज्यादा किसी एक टॉपिक को कवर करने में लग रहा है तो आप बाकी टॉपिक्स को कवर तो इसलिए नहीं कर पाओगे उसके लिए तो आपको टाइम कम देना पड़ेगा तो अगर टाइम आपका ज़्यादा है तो रिस्क क्या होगा ज़्यादा होगा टाइम के साथ साथ उसको जो हमारा टॉपिक है उससे जो क्वेश्चन आते हैं उसकी डिफ़िकल्टी क्या होती है अगर डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसका रिस्क ज़्यादा होगा क्योंकि अगर पेपर किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन से टफ आता है तो एग्ज़ाम में आपके मोस्ट ऑफ द टाइम आपको उसी सेक्शन को सॉल्व करने में लग जाएगा तो ऑफ़कोर्स उसका रिस्क ज़्यादा हो जाएगा थर्ड है वो हमारा वेरिएशन है कि अगर कोई भी टॉपिक है तो उस टॉपिक से हमारा कितना ज्यादा वेरिएशन हो रहा है क्वेश्चन में जैसे कि आप पी वाई के उठा कर देख लो आप अल्जब्रा के क्वेश्चन देख लो और टू डी थ्री डी और वेक्टर के देख लो तो अल्जिब्रा में आप पाओगे कि अल्जबरा का वेरिएशन बहुत ही ज्यादा होता है लेकिन टू डी थ्री डी और वेक्टर का जो वेरिएशन होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है तो अगर वेरिएशन कम होगा तो आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है उसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इसीलिए अगर वेरिएशन ज्यादा होगा तो रिस्क भी क्या होगा ज्यादा होगा अगर वहीं पे वेरिएशन कम होगा तो रिस्क क्या होगा कम होगा तो ये तीन फैक्टर होगा जो किसी भी सेक्शन के लिए हमारा रिस्क डिसाइड करेगा रिवॉर्ड आपका सिंपल सा है आपके कितने क्वेश्चन आएंगे आ सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन उसके अलावा उस क्वेश्चन को आप कितना अच्छे से सॉल्व कर सकते हो कि अगर मान के चलो किसी भी टॉपिक से अराउंड ट्वेंटी क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर आप उसमें से नाइन्टी परसेंटेज क्वेश्चन कर पा रहे हो विथ मिनिमम एफ़र्ट इसका मतलब इसका रिवॉर्ड क्या है बहुत ही अच्छा है तो सबसे पहले अलजबरा की बात करते हैं तो अलजबरा एक मॉडरेट रिस्क टॉपिक है मॉडरेट क्यों है क्योंकि इसमें आपको टाइम तो अच्छा खासा लगेगा टाइम अच्छा खासा लगेगा अप्रोक्सीमेटली आपको थर्टी डेज लगेगा लेकिन इसका जो डिफ़िकल्टी है वो उतना ज़्यादा नहीं है अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आप इजीली एट्टी टू नाइनटी परसेंटेज क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो वेरिएशन भी इसमें ज़्यादा होता है लेकिन अगर आप अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आप इजली जो भी क्वेश्चन आएगा इवन तो वेरिएशन उसमें रहेगा आप उसको सॉल्व कर सकते हो तो अल्जिब्रा आपका एक मॉडरेट रिस्क टॉपिक हो जाता है लेकिन अगर वहीं पे इसकी हम लोग रिवॉर्ड की बात करें तो ये एक हाईली रिवॉर्डिंग टॉपिक है क्योंकि यहाँ से आपको थर्टी फाइव टू फोर्टी क्वेश्चन आ रहे हैं और अगर आप थर्टी फाइव टू फोर्टी क्वेश्चन में आप अगर एट्टी टू नाइन्टी क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हो तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है वहीं पे अगर हम लोग टिक्नोमेट्री की बात करें तो टिक्नोमेट्री भी आपके लिए एक मॉडरेट मॉडर्ट टॉपिक है आपको इसको कवर करने में टाइम कम लगेगा अप्रॉक्सीमेटली टेन टू फिफ्टीन डेज लगेगा ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी ये मॉडर्ट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी क्या आते हैं कम ही आते हैं डिफिकल्टी इसका आपका सेम ही रहने वाला है वेरिएशन भी ज़्यादा नहीं होने वाला इसलिए आपका ये मॉडरेट टॉपिक है रिवॉर्ड भी इसका मॉडरेट है टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आप एटी टू नाइन्टी परसेंटेज इजली कर सकते हो वहीं पर अगर हम लोग कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस एक हाई रिस्क टॉपिक हो जाता है इसके तीन वजह हैं सबसे पहला वजह इसका है कि आपको टाइम कंज्यूमिंग है <laughs> आपको कैलकुलस को कवर करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है उसके अलावा जो कैलकुलस का टॉपिक है उसमें आपका डिफ़िकल्टी भी अच्छा खासा होता है ना अगेन आई एम सेइंग कि जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पेपर डिफिकल्ट होने वाला है इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें क्वेश्चन जे ईमेंस या फिर जे एडवांस लेवल के आएंगे मैं इसको टाइम लेकर बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास एटी टू नाइन्टी सेकेंड्स होंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर सेवेंटी टू एटी सेकेंड क्वेश्चन तो सेवेंटी टू एटी सेकेंड क्वेश्चन में आपको अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन दे दिया जाए तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टाइम लग जाएगा एंड इसी वजह से मैं कैलकुलस को थोड़ा डिफिकल्ट कह रहा हूँ उसके अलावा जो वेरिएशन है वो भी इसमें अच्छा खासा होता है लेकिन हाँ कैलकुलस एक हाई रिस्क टॉपिक है लेकिन उसके बावजूद भी कैलकुलस एक हाईली रिवॉर्डिंग टॉपिक है क्योंकि यहाँ से आपके थर्टी टू थर्टी फाइव क्वेश्चन आते हैं और आप इसमें से सेवेंटी टू एटी परसेंटेज क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है टू डी थ्री डी एंड वेक्टर अलजेब्रा ये वैसे स्टूडेंट के को तो बिल्कुल कवर करना चाहिए जो कि नॉन मैथ्स से हैं या फिर मैथ्स में वीक है क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ही कम इन्वॉल्व है रीज़न आपका ये टाइम बहुत कम लेगा ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन में ये आपका पूरा का पूरा टू डी थ्री और वेक्टर कवर हो सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो पहला रीज़न सेकेंड रीजन इसका ये है कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएसन होता नहीं है आप पिछला पाँच साल का पेपर उठा लो जो क्वेश्चन पहले आ रहे वो उसी टाइप के क्वेश्चंस आगे भी आएंगे ठीक है उसके अलावा अगर डिफ़िकल्टी की बात किया जाए तो डिफ़िकल्टी भी इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है आप क्वेश्चन को देखोगे दस से पंद्रह सेकेंड में आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है तो ये टॉपिक तो आपको कवर करना ही करना है रिवॉर्ड इसका आपका मॉडरेट ही रहने वाला है क्योंकि क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा आने वाले हैं नहीं 20 टू 25 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आप इसमें 90 टू 95 फाइव परसेंटेज क्वेश्चन इजली कवर कर सकते हो फिर वहीं अगर प्रायोरिटी एंड स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो ये एक मॉडरेट टॉपिक हो जाता है और इसका रिवॉर्ड भी आपका मॉडरेट होता है नेक्स्ट तो कंक्लूजन पे आते हैं सो so, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसने अच्छे से प्रिपरेशन किया हो और उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो वो ईजिली सेवेंटी टू एटी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था और 120 से 130 मार्क्स ईजिली एनडीए मैथ्स में वो ला सकता है प्रोवाइडेड डैट कि उसने अच्छे से पढ़ाई किया हो और उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो अगर हम लोग एन डी ए वन और एन डी ए टू पेपर की बात करें तो एन डी ए वन का जो पेपर था वो एन डी ए टू के कंपेरिजन में थोड़ा सा टफ था और थोड़ा सा लेंदी भी था क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे स्पेशली परमोटेशन कॉम्बिनेशन और प्रायोरिटी के जो क्वेश्चन थे अगर मैं कैलकुलस की बात करूँ तो कैलकुलस का जो क्वेश्चन था वो इंटीग्रल कैलकुलस से कैलकुलस से एनडीए वन में थोड़ा टफ ही था लेकिन जो रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन एनडीए टू में आए थे वो थोड़े अच्छे थे इसलिए कैलकुलस का ओवरऑल डिफिकल्टी एन डी वन और एनडीए टू में सेम ही था अगर टू डी थ्री डी एंड विक्टो अलजेब्रा की बात की जाए तो किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग पोर्सन हो जाता है क्योंकि यहाँ से ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव आते हैं और ये एक बहुत ही लो रिस्क टॉपिक है तो वैसे स्टूडेंट जो कि नॉन मैथ्स हैं या फिर जिनका मैथ्स क्या है वीक है उनको तो ये कवर करना ही करना है उसके अलावा अल्जिब्रा की हम लोग बात करते हैं तो मॉडरेट रिस्क है बट इसकी जो रिवॉर्ड है वो आपके बहुत अच्छे मिलने वाले हैं तो वीक स्टूडेंट्स को या फिर नॉन मैथ स्टूडेंट को अल्जेबरा और टू डी थ्री डी एंड वेक्टर ये तो कवर करने ही करने चाहिए अगर आप सिर्फ ये भी टॉपिक कवर कर लेते हो ना तो आप इज़ली 80 प्लस मार्क्स ला सकते हो अगर बहुत अच्छे तरीका से कवर किए हो तो नाउ ट्रिग्नोमेट्री से 10 टू 15 क्वेश्चंस आते हैं लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये आपको अल्जेबरा और कैलकुलस में फर्दर आपको हेल्प करेगा तो ट्रिग्नोमेट्री भी आपको कवर करनी ही करनी है प्रोयलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से आपके ट्वेंटी क्वेश्चन आते हैं लेकिन उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन और डिफिकल्टी रहता है वो हमेशा चेंज होते रहता है इसलिए जब भी आप प्रायोरिटी को पढ़ रहे हो तो स्टैटिस्टिक्स भी कवर कर लो और अगर स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हो तो आप प्रायोरिटी भी कवर कर लो न अगर कैलकुलस की मैं बात करूँ तो इवन दो कैलकुलस एक हाईली रिवॉर्डिंग टॉपिक है लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि कैलकुलस आप तब कवर करो जब आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो कैलकुलस में अगर आप ऑलरेडी मैथ में वीक हो या फिर आपका बैकग्राउंड मैथ से नहीं रहा है तो आप कैलकुलस के सारे टॉपिक्स को कवर करना के लिए मत सोचना कैलकुलस में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन आप कवर कर लो डिफरेंशियल कैलकुलस आप कवर कर लो ठीक है तो अगर आपका मैथ्स उतना अच्छा नहीं है तो आप कैलकुलस से रिलेशन एंड फंक्शन कवर कर लो और डिफरेंशियल इक्वेशन कवर कर लो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं आप लिमिट कवर कर लो कॉन्टीन्यूटी कवर कर लो और डिफ्रेंसीबिलिटी कवर कर लो इस अगर आपका मैथ्स वीक है या फिर नॉन मैथ बैकग्राउंड से हो अगर आपका मैथ्स अच्छा है तब तो आपको कैलकुलस पक्का करना ही चाहिए क्योंकि आप अगर मैथ आपका अच्छा है तो आप सिर्फ कैलकुलस और अलजेब्रा से ही बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो नौ एट डिफेंस उस्ताद हम लोग एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं एन डी वन के लिए जिसका नाम होगा अल्फा बैच ये एटीन नवंबर से स्टार्ट होने वाला है ये फाइव मंथ ऑनलाइन कोर्स होने वाला है जिसके आपको क्लासेस होंगे वो आपके लाइव क्लासेस होंगे जो भी आपके लाइव क्लासेस होंगे उसका आपको रिकॉर्डेड सेसन भी मिल जाएगा इसमें हम लोग जी और मैथ का कम्प्लीट सिलेबस कवर करने वाले होंगे उसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा वो यूपीएससी लेवल का होगा चाहे वो क्लासरूम में हो या फिर वो आपका वर्कशीट मिले वर्कशीट मिले वो सारा का सारा आपका यूपीएससी लेवल का होगा उसके साथ साथ आपको अरुण सर एस के बारे में भी टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे अगर आपको किसी भी तरीका का कॉन्टैक्ट चाहिए या फिर और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस थैंक यू